हेलो, टुडे वी विल लर्न रूल्स फॉर द यूज ऑफ ए एंड एन। ए और एन का अर्थ होता है एक या कोई एक। यूज ऑफ ए बिफोर वर्ड्स बिगिन विथ ए कंसोनेंट और कंसोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि मींस कंसोनेंट से आरंभ होने वाले शब्द के पहले ए लगता है। फॉर एग्जाम्पल ए बुक, ए कैट, ए पिक्चर, ए की एंड ए ईयर एटसेट्रा। अब सीखेंगे द यूज ऑफ एन बिफोर वर्ड्स बिगिन विथ ए भावेल और भावेल साउंड स्वर ध्वनि मींस भावेल से आरंभ होने वाले शब्द के पहले एन लगता है। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, एन आई, एन ईयर, एन इंडियन, एन आर्टिस्ट एटसेट्रा। सम मोर एग्जाम्पल्स भावेल साउंड। भावेल साउंड के पहले एन एंट, एन ऑरेंज, एन ऑक्स, एन इंकपॉट, एन एग, एन अम्ब्रेला। और कंसोनेंट साउंड के पहले ए, ए टाइगर, ए फिश, ए कैट, ए शर्ट, ए डॉग, ए चॉक। कुछ एक्सेप्शन अपवाद होते हैं, जैसे उपरोक्त नियम के अपवाद भी हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एन का प्रयोग अभी शब्द उस शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, उसके स्पेलिंग पर नहीं। इसे निश्चित रूप से जानने के लिए एक सरल नियम है, जिस शब्द के पहले एन का प्रयोग करना हो उसके उच्चारण को हिंदी में लिखें, उसके उच्चारण को हिंदी में लिखें। रिमेम्बर प्लीज, यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में स्वर हो तो एन का प्रयोग करें, और यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में व्यंजन हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करें। हिंदी में स्वर ओ आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ रहे, छोटा उ बड़ा उ री ए आई ओ औ अं आ, तो एन प्रयोग करें। हिंदी में व्यंजन क से ज्यो तक हो तो ए का प्रयोग करें। उदाहरण स्वरूप, फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है एम एल ए, एम एल ए, एम एम एल ए, एम एल ए। ये कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन आवाज देता है भावेल का। बच्चों ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, एम कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है लेकिन आवाज देता है भावेल का। तो बच्चों हम लोग ए लिखेंगे या एन, भावेल है तो हम लोग को एन लिखना पड़ेगा। भावेल हिंदी में स्वर, स्वर रहने से एन आएगा। ए, ए को स्वर, स्वर वर्ण कहा जाता है, स्वर वर्ण में हम लोग एन लिखेंगे, ए नहीं, एन एम एल ए। इसी प्रकार और एक शब्द है जो यू नी वर सी टी, यू नी वर सी टी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बच्चों ये भावेल से शुरू हुआ है लेकिन आवाज देता है कंसोनेंट का, आवाज देता है कंसोनेंट का। तो बच्चों कंसोनेंट का आवाज देता है मींस व्यंजन। यो एक व्यंजन है, यो रो लो वो एक व्यंजन बन है। बच्चों व्यंजन बन होने से एन लिखेंगे कि ए, ए ए यूनिवर्सिटी। वंस मोर बच्चों, यूनिवर्सिटी ये हम लोग का भावेल से शुरू हुआ है लेकिन आवाज देता है व्यंजन का, व्यंजन यो रो लो वो। हिंदी में व्यंजन के पहले ए लगता है तो ये एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, होगा ए यूनिवर्सिटी। नीचे दिए गए शब्दों के साथ एन का प्रयोग को ध्यान पूर्वक समझकर अपना कंसेप्ट क्लियर करें। जैसे ए कैट, यहाँ पहला अक्षर क है जो व्यंजन है, ए कैट। एन एंट, यहाँ पहला अक्षर ए है जो स्वर है। एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पहला अक्षर ओ है जो स्वर है। एन एम ए, यहाँ पहला अक्षर ए है जो स्वर है। एन ए यूरोपियन, यहाँ पहला अक्षर यो है जो व्यंजन है। ए ईयर, यहाँ पहला अक्षर यो है जो व्यंजन है। सम मोर एग्जाम्पल, ए यूरोपियन व्यंजन ध्वनि यो। एन ऑनेस्ट बॉय, स्वर ध्वनि आ। वन साइडेड गेम, व्यंजन ध्वनि वो। ए यूनिक साइट, व्यंजन ध्वनि यो। एन एम एस सी, स्वर ध्वनि ए। एन इंडियन, स्वर ध्वनि ई। ए बी ए, व्यंजन ध्वनि बी। एन आई ए एस, स्वर ध्वनि आ। ए बैग, व्यंजन ध्वनि ब। एन एलिफेंट, स्वर ध्वनि ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।